बताने और समझाने की जरूरत नहीं है, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, शिवसेना वाले शिंदे, वो शिवसेना जो बीजेपी के साथ है। महाराष्ट्र में चुनावी माहौल के बीच सोमवार की रात जब सीएम एकनाथ शिंदे का काफिला मुंबई के चांदीवली इलाके से गुजरा तो सीएम शिंदे अचानक आग बबूला हो उठी। दरअसल वजह ही कुछ ऐसी थी। बताया जा रहा है कि सोमवार की रात जब एकनाथ शिंदे का काफिला नसीम खान के दफ्तर के बाहर से निकला तो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने गद्दार गद्दार के नारे लगाने शुरू कर दिए। आरोप है कि संतोष काटके नाम के युवक ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, इससे मुख्यमंत्री का पारा चढ़ गया। किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि अचानक सीएम शिंदे कुछ ऐसा कर डालेंगे। पहले तो अपनी कार से ही उंगली दिखा दिखा कर धमकाने लगे, फिर कार से नीचे उतरे और सीधे नसीम खान के ऑफिस में दाखिल हो गए। उन्होंने मौके पर मौजूद कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी के पदाधिकारियों से पूछा, अपने कार्यकर्ताओं को यही सिखाते हैं क्या आप लोग? इसके बाद मुख्यमंत्री के काफिले में चल रहे पुलिसकर्मियों ने संतोष काटके और कुछ अन्य कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। आपको बता दें कि सीएम शिंदे जिस दफ्तर में घुसे थे वो नसीम खान का है, जो मुंबई के चांदीवली इलाके से कांग्रेस उम्मीदवार हैं। नसीम खान ने कहा, ये गलत है लेकिन हम इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहते, लोकतंत्र में आलोचना का स्थान होना चाहिए। इस पूरी घटना का वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है।